हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी प्यारे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वन ऑफ योर फेवरेट कॉइन एंड वन ऑफ माय फेवरेट कॉइन लवली इनू के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि लवली इनू पिछले कुछ दिनों में एक अच्छी खासी पंपिंग के साथ अभी एक अच्छे खासे डंप की तरफ जा रहा है। तो क्या ये डंप कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा, और देखेंगे भाई लवली इनू के क्या हालात हैं, और अभी इन कंडीशंस में आप लवली इनू में क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, तो वो सारी की सारी बातें हम करेंगे इसी वीडियो में। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो की तरफ मूव करें, अपने टॉपिक की तरफ मूव करें, आई रिक्वेस्ट यू, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल देन व्हाट आर यू डूइंग नाउ, अभी जाके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को दबाएं, ताकि लवली इनू हो या कोई भी कॉइन हो उसके रिलेटेड कोई भी अपडेट, कोई भी न्यूज़ या कुछ भी कंटेंट निकल के आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस चीज़ को मिस ना कर सके। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। तो भाई बात करेंगे पहले फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स की। तो भाई मार्केट बुरे हालात में जा रही है, फिर से फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स बता रहा है कि मैं फिर से 31 स्कोर के साथ आ चुका हूं। तो भाई मार्केट के बुरे हालात है, तो वहां पे एब्सोल्युटली लवली इनू भी डाउन जा सकता है, क्योंकि अगर हम देखें तो भाई BTC तकरीबन 2,240 पे मूव कर रहा है, तकरीबन 2.01% डाउन गया है, इथेरियम 6.20% डाउन गया है, BNB 3.606% डाउन गया है। तो इन हालात में मार्केट कुछ इस तरह से मूव कर रही है। तो भाई हमने देखा कि भाई कल भी मार्केट फेयर कंडीशन में 33 स्कोर के साथ थी, लास्ट वीक 26 स्कोर के साथ मार्केट एक्सट्रीम फेयर में थी, सॉरी फेयर में थी, और लास्ट मंथ ये तकरीबन 11 स्कोर के साथ एक एक्सट्रीम फेयर में थी। तो भाई मार्केट के साथ अगर हम लवली इनू को देखते चले, तो भाई लवली इनू तकरीबन 2773 पे मूव कर रहा है, तकरीबन अगर प्राइस की बात करें तो 0.00 तकरीबन 6 जीरो से उसके बाद 7142 के साथ प्राइस के साथ मूव कर रहा है, लेकिन अभी भी 15.32% ये डाउन गया है, BTC के हिसाब से 13.11% और इथेरियम के हिसाब से 9.06% डाउन गया है। तो यहाँ पे अगर इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम मैं आपको दिखाता चलूँ तो वो भी काफ़ी डाउन ट्रेंड की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तकरीबन 2.04% डाउन गया। तो यहाँ पे अगर मैं आपको चार्ट दिखाता चलूँ तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा लवली ने एक पंप लिया, फिर एक सडनली एक अच्छी खासी अमाउंट। आप देख सकते हैं कि भाई देखो, कोई भी कॉइन होता है जब पंप लेता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि डाउन क्यों गया है, कोई भी कॉइन होता है जब पंप लेता है तो वो पंप की पोजीशन की डायरेक्टली आपको एक पंप तक नहीं लेके जा सकता, क्योंकि यहाँ पे जैसे लोगों को प्रॉफिट मिलता है तो लोग कॉइन सेल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लवली यहाँ तक पहुँचा तो लोगों को एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया, तो उन्होंने क्या किया, सडनली इस पॉइंट पे आके उन्होंने क्या कर दिया, इसको सोल्ड आउट करने लगे। तो जैसे जैसे वो सोल्ड आउट करने लग गए, तो हमने देखने को मिला कि एक अच्छी खासी अमाउंट में लवली का हमें एक डंप देखने को मिला। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह पोजिशन एक सडनली अप जाती है, फिर एक डाउन ट्रेंड की एक बहुत बड़ा धचका लगता है, क्योंकि काफ़ी लोग सोल्ड करते हैं फिर ये अप ट्रेंड की तरफ जाते हैं। तो अभी फिर से कुछ धचका लगा है लवली को, लेकिन क्योंकि इसका एक जो लिस्टिंग का चैलेंजेस चल रहा है, तो उस वजह से मुझे लगता है कि अभी भी ये बुलिश जा सकता है। तो यहाँ पे मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर हैं तो आप भले इसको होल्ड करें, अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो आप अपना सेल कर लें, क्योंकि आप अपनी थोड़ी बहुत रिसर्च भी कर लिया करें, क्योंकि पता तो नहीं चलता कि मीम कॉइन की मार्केट में क्या कुछ हो सकता है। तो भाई हमने देखा कि भाई हुबी ग्लोबल की इसकी जो नेक्स्ट लिस्टिंग है वो काफ़ी एक्साइटेड लिस्टिंग है, क्योंकि हुबी के तकरीबन 1.8 मिलियन जो हैं इनके जो फॉलोअर्स हैं, जो यूज़र्स हैं, तो उनके साथ अगर हम देखें तो लवली इनू के तकरीबन 91K समथिंग इसके होल्डर्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि लवली इनू अगर मर्ज हो जाती है हुबी ग्लोबल के साथ, तो भाई एक अच्छी खासी बुलरन हम सोच सकते हैं कि हो सकती है, क्योंकि रिसेंटली हमें ZT पे भी इसकी लिस्टिंग देखने को मिली, उसके साथ अगर हम देखें तो भाई लवली इनू को स्वैप पे भी लिस्ट किया गया। तो अभी आप देख सकते हैं कि BSE न्यूज़ की तरफ से भी लवली इनू की एक स्पॉन्सर ट्वीट चल रही है, काफ़ी सारा लवली इनू को प्रोमोटेड वगैरह भी किया जा रहा है। तो भाई लवली इनू डेक्स बोर्ड पे भी लिस्ट हुआ, बेबी स्वैप पे भी लिस्ट हुआ, तो इन्हीं हालात में अगर हम देखें तो भाई लवली इनू इस तरह मूव कर रहा है। तो आप बताएं कि आप क्या सोचते हैं, कि आपको क्या लगता है कि लवली इनू क्या कर सकता है अभी, क्योंकि इसकी जो एक 16 जुलाई की अगस्त की जो एक एक्सक्लूसिंग लिस्टिंग भी आने वाली है एक्सक्लूसिव, तो वो लिस्टिंग भी काफ़ी गेम चेंजिंग हो सकती है। तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटी मोटी सी वीडियो थी लेकिन पसंद ज़रूर आई होगी। तो मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपना ख्याल रखना है और मुझे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपना ख्याल रखना है। पीस।